हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शकील जखान। वेलकम टू अवर चैनल आयशा कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर में कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट को एक सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पास्ट टेंस में जो चीज़ हो चुकी है पहले और उसके बाद जो चीज़ हो चुकी है, तो दो डिफरेंस है इसमें। जो पहले हो चुकी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो चीज़ हो रही है पास्ट टेंस में वो इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द पोस्टमैन हैड कम एंड पुट द लेटर इन टू द लेटर बॉक्स एंड आई रेड दैट लेटर। मतलब ये कि पोस्टमैन पहले आया था, उसने लेटर बॉक्स में लेटर डाला और वो लेटर मैंने पढ़ा। तो पहले पोस्टमैन आया था तो सेंटेंस आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो मैंने रीड किया आई रेड इट तो आ गया सिंपल पास्ट टेंस में। जो चीज़ पहले हो चुकी होती है तो वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में आएगा, और होती है वो आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। उसका एक एग्जाम्पल है, आई हैड कुक द फूड एंड आई एट इट। मैंने खाना पकाया था और मैं उसे खाया। सो आई हैड कुक द फूड, ये पहला था जो एक्शन था पहले था, फिर मैंने खाना खाया उसको, खाना बनाने के बाद मैंने खाया उसे। तो आई हैड कुक द फूड एंड आई एट इट। तो आई हैड कुक आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस में और आई एट में आ गया सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह आई हैड सीन द एलिफेंट एंड आई अमेज्ड, मतलब एलिफेंट देखने के बाद मैं अमेज हुआ। सो आई हैड सीन द एलिफेंट, तो आई हैड सीन क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और आई अमेज्ड ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई अमेज्ड, आई रेड, आई एट। तो फिर इस तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि पहले कौन सा वाकया और इंसिडेंस हो चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स यू लाइक दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल आयशा कोचिंग लेसन यूट्यूब, और प्रेस द बेल आइकन बटन। विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।